सवालनामा नेटवर्क बन गया चक नंबर 44 के लोगों की आवाज़। सवालनामा नेटवर्क ने गुज़िश्ता रोज़ चक नंबर 44 में कब्रिस्तान पर कब्जे की खबर नशर की थी, जिस पर जो है नोटिस लेते हुए असिस्टेंट कमिश्नर बकर अनवर अली कांजू ने पटवारी मलिक इजाज गोरछा को जो है कब्जा फौरी वागुजार कराने का जो हुक्म दिया, जिस पर मलिक इजाज गोरछा ने कार्रवाई करते हुए जो है वो यहाँ से जगह वागुजार करा ली है, जबकि कुछ जगह जो है अभी तक वागुजार नहीं कराई जा सकी। तो हमारे साथ इसमें मौजूद है तहसील सदर अनिमन पटवारियान व गिरदावरान मलिक इजाज गोरछा। हम इनसे जानते हैं कि कब्जा की सरकारी ज़मीन पर कब्जा के हवाले से और उसको वागुजार करवाने के हवाले से गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है और इस कार्रवाई के हवाले से उनका क्या कहना है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजाज पटवारी बात कर रहा हूँ। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी बड़ी वाजे है गवर्नमेंट का रकबे वागुजार कराने में, इसमें ज़ीरो टॉलरेंस है। इंशाल्लाह जो गवर्नमेंट का रकबे पे कब्जे हैं वो इंशाल्लाह ज़रूर वागुजार होंगे। हम बकर के मीडिया के शुक्रगुजार हैं, खासकर तनवीर भाई के, कि उन्होंने ये पॉइंट आउट किया था कि कब्रिस्तान के रकबे पर कब्जा हुआ हुआ है, उसको आज कुछ पार्शली जो है वो हमने वागुजार करवा दी है। बाकी की रिपोर्ट, कुछ मकान खड़े उसमें तकरीबन दो ढाई कनाल में, वो इस हिसाब को सुबह रिपोर्ट दे रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी वागुजार हो जाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। शुक्रिया मेहरबानी। सरकारी ज़मीन पर कब्जे के हवाले से गवर्नमेंट की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और जो मकान खड़े हैं उसके हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर को जो है वो रिपोर्ट देकर पटवारी की जानब से, उसके बाद जो है उनके कार्रवाई करवाई जाएगी और कब्रिस्तान की ज़मीन जो है वो खाली करवाई जाएगी। और सवालनामा नेटवर्क जो है इसी तरह आवाम की आवाज़ बनता रहेगा, लोगों की आवाज़ बनता रहेगा और जहाँ पर भी जो मसला होगा इंशाल्लाह सवालनामा नेटवर्क जो है आवाम के आवाज़ जो है वो आला हुकाम तक पहुँचा कर उनको मसाइल हल करवाने में अपनी जो है कोशिश जारी रखेगा। कैमरा मैन वसीम अशरफ, कैमरा तनवीर कमर गादी, सवालनामा नेटवर्क, बकर। सवालनामा नेटवर्क, सवाल से जवाब तक।